हेलो, वेलकम टू डीवी स्टूडियो। मैं हूं आर्किटेक्ट दीपांशु वशिष्ठ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 15x45 फीट हाउस प्लान की, जिसमें 15 फीट विड्थ है एंड 45 फीट लेंथ है आपकी। इस घर को हमने ओवरऑल 3 BHK में बनाया है। तो यहां पर अभी हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर आपको 1 BHK मिल जाता है। स्टार्ट करते हैं एंट्री से। तो एंट्री पर ही यहाँ पर आपको एक पार्किंग मिल जाती है 6x10 की, जिसमें कि आप 2-व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसी के बाद एंट्री करेंगे यहाँ से, ये है हमारा मेन डोर। देन हम एंटर हो जाते हैं अपने लिविंग एरिया प्लस स्टेयरकेस एरिया में। इसमें स्टेयरकेस आपको इनसाइड से दी गई है, तो यही एरिया आपका लिविंग स्टेयरकेस दोनों है। तो ये रहेगी आपकी कुछ यहाँ पर लिविंग एरिया की प्लेसमेंट। टीवी यूनिट को हमने स्टेयरकेस के पास प्लेस किया है एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा सीटिंग कुछ मिल जाएंगी आपको। इसी के बाद लिविंग एरिया से यहाँ पर आप देखेंगे ये अटैच आपको मिल जाती है किचन। किचन का साइज भी काफी अच्छा है, इसमें 7x10 की किचन मिल जाती है यहाँ पर एल शेप में। तो ये हमारी तीनों चीज़ें यहाँ पर सेट हो गई हैं। यहाँ पर आपका हॉब आ गया, सिंक आ गया एंड फ्रिज भी आ गया। एक्चुअली हॉब को हम यहाँ भी प्लेस कर सकते थे एंड इसको हम यहाँ कर सकते थे, ये भी सही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बट हमने क्योंकि यहाँ पर अभी सेंटर में विंडो दी है, इसलिए हमने हॉब को यहाँ पर प्लेस नहीं किया। इसलिए इसको अभी फ़िलहाल राइट पोजिशन इसकी यही है जो इस फेस पर है। अगर इस विंडो को हम छोटा करके यहाँ पर कॉर्नर में कर दें या फिर इस कॉर्नर में कर दें, तो हम होप को यहाँ पर फिर लगा पाएंगे। अभी थोड़ा पीछे की साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये एरिया, जो एक सर्कुलेशन एरिया भी है एंड आपका डाइनिंग एरिया भी यही है। ये आराम से आपकी 6 पीपल की डाइनिंग टेबल यहाँ पर प्लेस हो गई। इसी के बाद ही आपको टॉयलेट एंड बाथिंग सेपरेट मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सेपरेट रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बाथिंग का सेपरेट चाहिए, तो उनके लिए हमने ये भी दे दिया। फर्नीचर साइज़ में भी आपको थोड़े से बड़े लगे हैं, बट थोड़ा सा क्या है कि फर्नीचर को हमें अपने एरिया के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, तो हमारे ब्लॉक स्टैंडर्ड थे इसलिए हमने इन्हीं को ही प्लेस किया। इसी के बाद यहाँ से अब हम अंदर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको आपका बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है 11x10 का। तो काफ़ी अच्छा साइज़ आपको इस बेडरूम का भी मिल जाता है। तो ये अरेंजमेंट आपको मिल जाती है आपके बेडरूम की, जिसमें एक वार्डरोब भी आ गई, बड़ा टीवी यूनिट भी आ गया, साइड टेबल्स भी आ गई एंड अब इसी के साथ ही आपको एक OTS भी मिल जाता है यहाँ पर बेडरूम के साथ ही। स्लाइडिंग डोर भी दिया हुआ है और जो आपके टॉयलेट की वेंटिलेशन है वो भी यहाँ से होगी। जो बाथिंग की वेंटिलेशन है, अगर कुछ लोग कहेंगे इसकी वेंटिलेशन नहीं होगी, तो क्या है कि डक्ट चली जाती है आपकी सीलिंग से, तो उससे अच्छे से वेंटिलेशन यहाँ पर हो जाएगी। अगर कोई चेयर वगैरह प्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस OTS एरिया में प्लेस कर सकते हैं। बाथिंग में अभी कुछ प्लेस नहीं किया है हमने, यहाँ पर आपका शॉवर एरिया आ जाएगा, क्योंकि शॉवर या टैप्स वगैरह आएंगे सिर्फ यहाँ पर। अगर आप डाइनिंग में भी एक छोटा टीवी यूनिट या फिर कोई कंसोल टाइप चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर प्लेस कर पाएंगे। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब यहाँ से स्टेयरकेस से चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो ये आ गए हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ स्टेयरकेस से ऊपर आते ही एक आपको सिटिंग एरिया मिल जाता है। ये जस्ट ड्राइंग रूम के ऊपर वाला स्पेस है हमारा। यहाँ पर मैं टीवी यूनिट प्लेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर जगह टीवी यूनिट भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम में क्योंकि टीवी यूनिट था नीचे। इसी के बाद अगर पीछे की साइड जाएंगे तो जहाँ पर डाइनिंग एरिया था ग्राउंड फ्लोर पर, ये आपको एक सर्कुलेशन स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप सिटिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से सिटिंग वगैरह भी यहाँ पर आराम से कर पाएंगे एंड एक अलमीरा टाइप भी, लाइब्रेरी टाइप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी के बाद आपको नीचे की तरह टॉयलेट एंड बाथिंग एरिया यहाँ पर भी मिल जाएंगे एंड बाथिंग एरिया में तो शॉवर रहेगा या टैप्स वगैरह आ ही जाएंगे। एंड बैक साइड में इसी सर्कुलेशन एरिया से चलेंगे तो हमें बेडरूम नंबर 3 मिल जाएगा, क्योंकि बेडरूम नंबर 2 हमारा आगे है, तो अभी हम उसमें बाद में आते हैं। यहाँ पर बेडरूम नंबर 3 मिल जाता है पहले।
तो ये कुछ अरेंजमेंट रहेगी हमारे इस बेडरूम की, विद वार्डरोब, बड़ा टीवी यूनिट, साइड टेबल्स वगैरह सब कुछ प्लेस हो गया अच्छे से। इसी के साथ ये जो OTS था यहाँ पर हमने जाल क्रिएट कर दिया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जाल क्रिएट करने से, जाल लगाने से हमें एक्सेस मिल जाती है थोड़ी, ताकि हम कुछ यहाँ पर अपने ड्राई क्लोथ और सॉरी वेट क्लोथ वगैरह यहाँ पर सुखा सकते हैं। तो एक तरह से एक्सेस मिल जाती है, क्योंकि OTS का काम क्या है, ओपन टू स्काई। ओपन टू स्काई का मतलब है ऊपर तक खुला होता है। अगर जाल लगा दिया तो हमें एक एक्सेस मिल जाती है। तो अभी वापस से आगे की साइड आएंगे तो जो बीच का एरिया था, मतलब यहाँ से स्टेयरकेस से आप आए थे, तो देन आगे की साइड आएंगे तो ये आपको मिल जाता है हमारा बेडरूम नंबर 2। काफ़ी अच्छे साइजेस के बेडरूम यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज़ का बेडरूम था, तो बड़ी वार्डरोब भी आ गई, बड़ा टीवी यूनिट भी, एक एक्स्ट्रा सिटिंग सोफ़ा, जो काउच वगैरह हम प्लेस कर देते हैं बेड के आगे, वो भी आ गया, एंड बेड भी अच्छे से प्लेस हो गया। अगर इसी में ही हम देखें, अगर मैं यहाँ से वार्डरोब को हटाता हूँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट आप इस तरीके से भी कर पाएंगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, आपने देख ही लिया होगी प्रॉब्लम आई थिंक। वार्डरोब भी अच्छे से आ गई, चाहे तो इसको इस कॉर्नर से लगाते हैं। अब आपका जो टीवी यूनिट है वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगर टीवी यूनिट यहाँ आ गया तो आपका जो स्लाइडिंग डोर है उसको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमने स्लाइडिंग डोर को बिल्कुल सेंटर में रखा है, ताकि एलिवेशन का भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो सेंटर में उस हिसाब से अच्छा रहेगा। थोड़ी सी ग्रीनरी भी कर देते हैं यहाँ पर इस फर्स्ट फ्लोर पर भी। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पर आपको 2 bedrooms शायद विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग मिल जाती हैं इतने छोटे प्लान में भी। तो ये रहे आपके दोनों फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ओवरऑल आपको मैंने आपको बताया था 3 BHK मिल जाता है, जिसमें कि आपको 3 BHK के साथ में फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग्स भी ऐड करने को मिल जाती हैं। बेडरूम के साइजेस भी अच्छे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट फर्नीचर्स भी ऐड आपके हो जाते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फर्नीचर स्टोरेजेस भी आ पाती हैं आपके घर में। तो ये था हमारा 15x45 का हाउस प्लान, जिसका स्क्वायर फिट में एरिया में बताना भूल गया, 675 स्क्वायर फिट एरिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो DV स्टूडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। 3D वीडियो भी स्टार्ट कर दी हैं हमने, अगर आपने चेक नहीं किया है तो वो भी आप चेक कर लेना। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।